नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। 90 के दशक में पूरे भारत में माफियागिरी को बढ़ावा देने वाले श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी आपने जरूर सुन रखी होगी, और अगर आपने श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी सुन रखी है तो यह भी जानते होंगे कि शुक्ला ने उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले रखी थी। सभी इसी दावे को सच बताते हैं। फिल्म रंगबाज में भी इस कहानी को ही सच बताया गया है, लेकिन आज हम आपको वो राज बताने जा रहे हैं जो आपको किसी और ने नहीं बताया होगा, और यह राज जुड़ा है श्री प्रकाश शुक्ला और कल्याण सिंह से। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला के गर्लफ्रेंड की भी चर्चा खूब होती है। सब शुक्ला के आशिक मिजाज अंदाज से वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ही शुक्ला उस समय सूबे के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारना चाहते थे? अभी तक आप जानते थे कि शुक्ला ने कल्याण सिंह को मारने के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी ली थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हमारे सूत्रों ने बताया है कि शुक्ला की गर्लफ्रेंड के पिता उन दिनों पुलिस विभाग में आला अधिकारी हुआ करते थे। किसी बात को लेकर उनकी मुख्यमंत्री से बहस हो गई थी और CM साहब ने अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए जमकर धौंस दिखाया था। यह बात जब शुक्ला की गर्लफ्रेंड को पता चला तो पिता का अपमान वह सह न सकी और रोते हुए श्री प्रकाश शुक्ला से सारी बात बता दी। फिर क्या था, शुक्ला गुस्से में आग बबूला हो गया। वह अब सूबे के मुख्यमंत्री को मारने का मन बना चुका था। ऐसे में यह बात CM के दुश्मनों को भी पता लग गई। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें यह पता था कि शुक्ला ने मन बना लिया है तो इस काम को अंजाम दिए बिना वह नहीं बैठेगा। इसी बीच कुछ लोगों ने श्री प्रकाश शुक्ला को CM को मारने के लिए पैसे भी ऑफर कर दिए, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। फिर वह लगातार प्लान बनाने लगा, लेकिन अंततः उसे ही असफलता हाथ लगी और आखिरकार सरकार ने उसे मार गिराया। तो चलिए हम आपको इस बड़े राज के बाद अब श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में और बातें बताते हैं। बात 13 जून 1998 की है। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करा रहे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की कुख्यात शूटर श्री प्रकाश शुक्ला ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में हत्या कर दी। श्री प्रकाश 2 दिन से मरीज बनकर अस्पताल में जाकर रेकी करते रहे, और घटना के दिन उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बाहर से ही ताबड़तोड़ फायरिंग करा दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर ब्रिज बिहारी के अंगरक्षक दौड़कर बाहर गेट की तरफ पहुंचे। उधर अकेले पाकर श्री प्रकाश ने ब्रिज बिहारी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या के बाद यूपी और बिहार के माफियाओं में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, और वह नाम था श्री प्रकाश शुक्ला का। यह वह दौर था जब रेलवे के ठेके में 22 वर्ष के पेशेवर शूटर बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला ने एंट्री मारी थी, और उसे सह मिली थी मोकामा बिहार के माफिया सूरज भान, जिन्हें लोग दादा कहा करते थे। श्री प्रकाश और दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को काफ़ी चोट पहुंचाई। श्री प्रकाश के नाम से बड़े बड़े सूरमा अंडरग्राउंड हो चले, खुद को रेलवे ठेके से दूर कर लिया। हत्या, अपहरण, फिरौती आम बात हो गई। यह समय रेलवे अफसरों के लिए बड़ा कठिन था। श्री प्रकाश का दौर करीब 4 सालों तक चला। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद भी खूनी खेल का सिलसिला नहीं थमा। बंदूक की नाल के दम पर ठेके हथियाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। उस समय में श्री प्रकाश शुक्ला के सामने कोई शख्स रेलवे का टेंडर भी नहीं डाल पाता था। रेलवे का टेंडर लेना मतलब मौत को गले लगाना था। श्री प्रकाश ने बंदूक के नोक पर रेलवे का ठेका अपने नाम हमेशा करवा लेते थे। ठेका डालने के विवाद में विकास की हत्या में आरोपित ब्रजेश सिंह बताते हैं कि रेलवे में ठेके को लेकर एक बात चलती थी, जिसका पौवा जितना भारी ठेका भी उतना ज़्यादा। लेकिन कुख्यात माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के दखल के बाद यह ट्रेंड बदल गया। श्री प्रकाश का खौफ इतना ज़्यादा था कि वह ठेकेदारों से गुंडा टैक्स वसूलने लगा, और लोग बिना किसी को बताए यह टैक्स देने भी लगे। श्री प्रकाश के बाद माफिया ब्रजेश सिंह भी गुंडा टैक्स लेने लगे। वाराणसी मंडल में कार्यों के बिना ब्रजेश सिंह ने साठ गांठ किए। ठेका लेना आसान नहीं था, अब तो किसी को किसी का डर नहीं। ई टेंडरिंग ने रेलवे में दबंगई खत्म कर दी है। किसने कितना टेंडर डाला सभी लोग देख सकते हैं।
इस व्यवस्था में ठेकेदारों को बहुत सहूलियत हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको श्री प्रकाश शुक्ला की यह राज पसंद आया होगा और आपको पता लगा होगा कि आखिर श्री प्रकाश शुक्ला ने उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या क्यों करना चाहता था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोकसेवा न्यूज।